गर्भावस्था में खुश रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी को कम करने में मदद करता है और आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में सहायता देता है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की दिक्कत है, तो अगर आप खुश रहिएगा तो उससे ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होती जाएगी। आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ससुराल के बीच में इतने ज़्यादा कचकच वाले माहौल में भी आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल थ्योरेटिकल बातें करना और प्रैक्टिकल बातें करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो आप खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स परिवार में रहते हैं जहाँ पर सबके विचार अलग अलग होते हैं और जनरली ससुराल में ये सारे कुछ देखे जाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके ससुराल खराब ही होते हैं, सबकी सासें बहुत बुरी होती हैं, ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल बात में नहीं पड़ रही हूँ, बट बहुत ही कम लकी लड़कियाँ होती हैं जिनका परिवार बहुत ही अच्छा मिलता है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अगर मैं पहले ज़माने की बातें करूँ, यानी 1970s की अगर मैं बातें करूँ, तो पहले की सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट थी। अभी फिर भी लोगों की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लोग ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं, लोग ज़्यादा अपने हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सर्वाइव कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे केस में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें बताने वाली हूँ जिससे आप गर्भावस्था के दौरान खुश रहना आप चाहोगे और आपकी अंदर से इच्छा आएगी। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एडिटेड वीडियो नहीं रहती है, कुछ भी मैं प्लान्ड नहीं बताती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है वही सारी बातें आपको बताती हूँ, तो कुछ भी मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की होती है। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि आप एक जर्नी पे हैं, यानी कि आपकी गर्भावस्था के टाइम चल रही है, चाहे अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो या थर्ड हो, आपको पता है कि इस ड्यूरेशन में आपके बेबी का निर्माण हो रहा होता है। आपने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से आप बौद्धिक निर्माण कर सकते हैं बच्चे का, कौन कौन से ऐसे फ्रूट खाएं जिससे कि बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो, बच्चे के अंग अच्छे से बने, बच्चे के वज़न अच्छे से बढ़ें। तो ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि आपके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं असर आपके बच्चे में दिखाई देता है। मे बी शायद उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कम रह जाएगी, उसकी हेल्थ कम रह जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट या फिर हेल्थ कम रहे? कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है। तो अपने बच्चे की खातिर आपको कुछ बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। आप अगर किसी भी जर्नी में हैं, अगर आपने किसी चीज़ को ठान रखा है, तो आपको बहुत सारे लोग पैर खींचने वाले मिल जाएंगे, जो कि नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे जाओ या फिर आगे आप बढ़ो। तो उन सारे लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, इग्नोर करना। ये काफ़ी देर से समझ में आई ये बात, लेकिन जब समझ में आती है तो ये अफसोस हो जाता है कि प्रेगनेंसी में हमने बहुत सारी बातों को इग्नोर क्यों नहीं किया। इसलिए अगर आपको देर नहीं करनी है, आपको बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे थे तो इसकी हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होती, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। तो क्या आप अपना फ्यूचर इस तरह से सोच पा रहे हैं? अगर आपको नहीं इस तरह से अपना बच्चा चाहिए, तो आज ही अपने जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनसे सीखिए, समझिए और अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, इग्नोर करना सीखिए बहुत सारी बातें। कई बार ऐसे भी परिवार के लोग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, आपके विचार अलग होते हैं, और इस समय आपके विचारों का अलग होना भी एक थोड़ी सी कुछ हार्मोनल बदलावों के कारण भी होता है। कभी कभी चिड़चिड़ाहटपन होती है, कोई अच्छी बात भी किसी की हमें अच्छी नहीं लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके और आपके बच्चे के बारे में बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि सबको गलत ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं, कोई अपने हिसाब से सही सोच रहा है, आप अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं। तो विचारों का मतभेद जहाँ होता है वहाँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो जिसके जो भी विचार हैं सबके विचार सुनिए और अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ें करिए, क्योंकि बच्चा आपका है, आप खुद के हैं, तो खुद के लिए बहुत सारा वक्त निकालिए, निकाल सकते हैं तो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपकी प्रेगनेंसी का। ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दुनियादारी की नॉर्मल चीज़ों में आपको पढ़ना ही है, वो सब बाद में आपके होते रहेगा, लेकिन बच्चे को इस समय अच्छी बॉन्डिंग देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो भी माँ गर्भावस्था के दौरान जो भी चीज़ें सुनती है, जैसा वो महसूस करती है, जितना ज़्यादा वो खुश रहती है, बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो गर्भ संस्कार जैसी भी चीज़ें ईजाद हुई थी ताकि आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए।
अभी अगर मैं अभिमन्यु की बातें आपको समझाऊं तो सुभद्रा ने जो जो भी बातें यानी कि जो चक्रव्यूह का भेद उन्होंने रचना सीखा, उन्होंने तोड़ना सीखा, तो वो सारा कुछ उनके बच्चे ने समझ लिया। लेकिन जब वो सो गई, जब उन्होंने ये सारी बातें नहीं सुनी तो बच्चा नहीं सुन पाया। तो क्या इससे आप सीख नहीं ले सकते हैं कि आपका बच्चा इस समय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट पार्ट को अपने बेबी को रखिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ये रही बात, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करिए थोड़ी मोड़ी, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। बहुत सारे लोगों के अगर बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिए हैं तो उनके लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए, इससे आप काफी ज्यादा थकावट भी फील करिएगा तो एक्स्ट्रा कुछ दिमाग में बहुत सारी बातें आपको नहीं आएंगी, थक के आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। और कोशिश करिए कि कम से कम 7 से 8 घंटा एक प्रॉपर नींद आपको जरूर लगनी चाहिए। आप पानी की इंटेक को भी बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी मदद हो सके। लिक्विड डाइट आप लीजिए, शिकंजी लीजिए नींबू की, नारियल पानी लीजिए, दूध के इंटेक को बढ़ा दीजिए। ये सारा अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो वो ओवरऑल आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपकी एमनियोटिक फ्लूइड का अगर स्तर अच्छा है तो बेबी की मूवमेंट भी काफ़ी अच्छे से होगी और बेबी काफ़ी खुश रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें आप गर्भावस्था के दौरान पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि गर्भ संस्कार की किताबें होती हैं, अच्छी पंचतंत्र की कहानियाँ, मोरल स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप गर्भावस्था में किन किन बातों का ध्यान दें, किन किन बातों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप उस तरह की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो बुक्स के ऊपर मैं अलग से सेपरेट आपको वीडियोस बना दूंगी, मेरे पास बहुत सारे प्रेगनेंसी की किताबें हैं तो मैं आपको सजेस्ट जो करूंगी उसको आपको खरीद के ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे आपके मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि बेबी का आपको कैसे ध्यान रखना है। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपको करना पसंद है, आपको गाने गाने पसंद है तो आप ज़रूर गाना गाइए, छोड़िए मत। इतना भी जैसे होता है ना कि एक इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, तो वो बच्चे को अंदर से बाहर निकालिए, अपनी जो हॉबीज़ है उसको आप ज़रूर करिए। पेंटिंग करने का मन है तो पेंटिंग ज़रूर करिए, और जो भी आपके शौक वाली चीज़ हैं उनको आपको ज़रूर करना चाहिए। और पति को भी ज़रूर बोलिए कि वो आपके साथ आपके कामों में इन्वॉल्व हों, वो कुछ क्वालिटी टाइम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ज़रूर बिताइए, क्योंकि हस्बैंड के साथ आप बहुत सारी बातें करिएगा तो अदर चीज़ों के ऊपर आपका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक बातें कर सकते हैं जिससे कि पूरा जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो और आपको हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज़ हों। तो हैप्पी हार्मोन्स जितना अच्छा रहेगा आप काफ़ी ज़्यादा खुश फील करिएगा और बच्चा भी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ये वीडियो बहुत काम की है, आपके बहुत काम आ सकती है, तो इसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड केयर।